हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अगर आप लोगों ने मेरा ऋषिकेश के ट्रैवल वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा ड्रोन टूट गया था, तो आज उसी को रिपेयर कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैंने दो चार सर्विस सेंटर में फोन करके पता किया था, DJI का तो सर्विस सेंटर मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोकल वेंडर्स ढूंढे हैं जो कि ड्रोन रिपेयर करते हैं। तो एक कनॉट प्लेस में मुझे सही लगा बंदा, जिससे मेरे को लगा था कि ये ड्रोन ठीक कर पाएंगे, तो आज उन्हीं के पास जा रहा हूँ। देखते हैं ड्रोन ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना खर्चा आएगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ड्रोन है जो कि खराब हो गया है तो आप लोग भी उसे जाकर रिपेयर करवा पाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, आज काफी टाइम के बाद मैं दिल्ली की ओर आया हूँ, और यार दिल्ली के ट्रैफिक से तो भगवान ही बचाए। बस यहाँ पे एक नई चीज हुई है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं आश्रम चौक पे। गाइस, दिल्ली में एक नया रूल अप्लाई हुआ है कि बसेस जो है अपनी बस लेन में चलेंगी, और उनकी लेन में कोई भी छोटा व्हीकल नहीं पहुंचेगा। अगर वो पहुंचेगा तो उस पर भी चलान होगा, बस अगर दूसरी लेन में आएगी तो उसके ऊपर भी चलान होगा। तो एक अपडेट थी जो कि मुझे अभी पड़ी थी मैंने दो चार दिन पहले, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो इससे ट्रैफिक पे कितना असर पड़ेगा, और बस वालों को कितनी परेशानी होगी, और आम आदमी को कितना फायदा होगा। सो गाइस, ये वो बड़ा डेवलपमेंट है जिसके लिए काफी दिनों से काम चल रहा था, और आश्रम चौक पे बहुत जाम रहता था। जितने भी लोगों को जाना है जंगपुरा और निजामुद्दीन, उन लोगों को बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ता था। आई डोंट नो इससे कितना रिलीव हुआ होगा, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपको कितना लेट अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आश्रम काफी टाइम के बाद आया हूँ। लेट्स सी कितना इजी हो गया आश्रम चौक को क्रॉस करना इंडिया गेट और CP जाने के लिए। गाइस, आश्रम चौक से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन आगे आप देख रहे हो, क्योंकि वो पतला हो जाता है रोड, इसलिए वहां पे तो ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। और येलो दिखा रहा है वैसे तो, लेट्स सी कितना लंबा होगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस। अब जल्दी से मैं उन भैया की दुकान पे जाके ड्रोन रिपेयर कराता हूँ और दिखाता हूँ उनकी शॉप कहाँ पर है। पहले बस ये एक तिरंगा हुआ करता था कनॉट प्लेस में, बाकी दिल्ली के अंदर आपको तिरंगे देखने को नहीं मिलते थे। और आज की डेट में दिल्ली में काफी जगहों पर ऐसे तिरंगे लगा दिए जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सो गाइस, लोकेशन यही दिखा रहा है 50 मीटर्स के अंदर। अब मेरे को पार्क करने की जगह देखनी है, जल्दी से पार्किंग वाले भैया से हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे पार्क कर सकते हैं। PVR के जस्ट सामने पड़ती है लोकेशन। भैया पार्किंग इधर है? सो गाइस, ये शॉप पड़ती है इनर सर्कल पे, ये सामने PVR है, इधर की साइड इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और ये है द्वारका सदन। हम लोगों को जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। सो गाइस, CP पहाड़गंज में ना थोड़ा रेजिडेंशियल टाइप लगता है, लेकिन है यहाँ पे शॉप्स। सो गाइस, फाइनली अपना ड्रोन ठीक हो चुका है, और कनॉट प्लेस में इनकी शॉप है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन लोगों का एड्रेस, आप आए और अपना ड्रोन वगैरह ठीक करा सकते हो। तो फटाक से चलते हैं घर पे, फिर आपको एक बार फ्लाई करके इसकी वीडियो दिखा दूंगा। सो गाइज, ये है शॉप NV ड्रोन स्टोर, ये है इनका एड्रेस। गाइज, ड्रोन अपना ठीक हो चुका है, हार्डली 15 से 20 मिनट लगे थे, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ठीक हो गया। मेरी फ्लेक्स केबल टूट गई थी, जिससे कैमरा को पावर जो मिलती है वो नहीं मिल पा रही थी, और कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। गिम्बल तो रोटेट कर रहा था, लेकिन कैमरा में वीडियो नहीं आ रही थी। तो ये लोगों ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ठीक कर दिया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी आपको आना है तो आप CP आके रिपेयर करा के जा सकते हो। तो फटाक से चलते हैं घर, और आयुषी को देते हैं खुशखबरी। सो गाइज, मैं अभी अभी घर पहुँचा हूँ, अब मैं आपको अपना ड्रोन उड़ा के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ठीक हो चुका है, और आप भी अपना ड्रोन ठीक करा सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया था एड्रेस वगैरह क्या है, वो सब आप देख लेना। तो फटाक से मैं इसको फ्लाई करके दिखा देता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे लिए, आई होप आपके लिए भी होगी, क्योंकि अगर आप ड्रोन यूज़र हो और आपके साथ ये चैलेंज आया तो आप भी इसको ठीक करा सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, मेरे गिम्बल के अंदर एक फ्लेक्स केबल होती है जो इसको कनेक्ट करती है, वो टूट गई थी, बाकी इसका सब कुछ ठीक था। बाकी ड्रोन के ऊपर एक क्रैक आया है यहाँ पे छोटा सा, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, इस जगह पे एक क्रैक आया है, और इसके जो प्रोपेलर्स हैं ये टूट गए थे, तो प्रोपेलर्स मैं बाद में चेंज कर लूँगा, एक बार फ्लाई करके देख लेते हैं। और हाँ, फ्लेक्स केबल जो होती है वो एक पत्ते की तरह होती है, वही टूटी थी, इसके अंदर एक मोटी वायर और होती है रस्सी की तरह, वो नहीं टूटी थी, जिसके बाद मेरा गिम्बल काम कर रहा था लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। ड्रोन भी फ्लाई कर रहा था, ड्रोन को मैंने रीसेट किया जब फ्लाई करना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले फ्लाई नहीं कर रहा था, रीसेट मीन्स मैंने इसको रिकैलिब्रेट किया था। तो फटाक से फ्लाई कर लेते हैं। वाओ, मिशन सक्सेसफुल।
सो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।